Good morning, children. Here we are again to read lesson 22, the photograph part 2. जैसा कि बच्चों आपको पार्ट 1 में बताया था मैंने इस लेसन के कि एक बॉय उसको एक फोटोग्राफ मिलता है और वो अपनी ग्रैनी को परेशान कर रहा है वो जानने के लिए कि हुज फोटो इज दिस. तो चलिए देखते हैं और कोशिश करते हैं फाइंड आउट करने का कि ये फोटो है किसकी. और लिटिल गर्ल्स ऑफकोर्स सेड ग्रैंडमदर, कांट यू टेल? यस, बट डिड यू नो द गर्ल? Yes, I knew her, said Granny. But she was a very wicked girl and I shouldn't tell you about her. But I will tell you about the photograph. Wicked यानी होता है शरारती, असज्जन. तो जब वो बॉय पूछता है कि whose photo is this? वो बॉय कहता है कि ग्रैनी ये किसकी फोटो है? तो ग्रैनी कहती है, a little girl's of course, एक छोटी सी लड़की की फोटो है, said grandmother. Can't you tell? क्या तुम इतना भी नहीं कह सकते? Yes, but did you know the girl? हाँ दादी माँ, लेकिन क्या आप इस लड़की को जानते हैं? Yes, I knew her, said Granny. But she was a very wicked girl. हाँ मैं उसको जानती हूँ, वो बहुत ही शरारती लड़की है. And I should not tell you about her. लेकिन मैं उसके बारे में तुमको नहीं बताऊँगी. But I will tell you about the photograph. लेकिन मैं तुमको उस फोटोग्राफ के बारे में बताऊँगी. It was taken in your grandfather's house. About 60 years ago, and that's the garden wall, and on other side of the wall there was a road going to town. ये जो फोटोग्राफ है ये तुम्हारे दादाजी के घर में ली गई है और ये लगभग 60 साल पुरानी फोटो है. इस फोटोग्राफ में वॉल की जो दूसरी साइड एक रोड है वो टाउन की ओर जाती है, शहर की ओर जाती है. Whose hands are they? I asked, coming up from the other side. Grandmother squinted and looked closely at the picture. She shook her head. It's the first time I have noticed, she said. That must have been the sweeper's voice, or maybe they were your grandfather's. Squinted यानि होता है अधखुली आँख से देखना. जैसे हम कोई चीज़ धुंधली पड़ जाती है उसको हम पास लागे कि देखते हैं, कोशिश करते हैं देखने का, तो हमारी आँखें जो है वो सिकुड़ जाती है, अधखुली रह जाती है, ये कहलाता है squinted. Okay? Whose hands are they? जब फोटो को ग्रैनी देखती है वो लड़का पूछता है कि ग्रैनी इसमें जो हाथ है वो किसके हैं? मैंने ग्रैनी से पूछा. कमिंग अप फ्रॉम द अदर साइड, जो दूसरी ओर से आ रहा है. ग्रैंडमदर स्क्विंटेड एंड लुक्ड क्लोजली एट द पिक्चर. ग्रैंडमदर ने फोटो को बहुत ही नज़दीक से देखा, अपनी आंखों को अधखुली करके स्क्विंटेड आईज से. ओके, एंड शुक हर हेड, और अपने सिर को हिलाया. इज द फर्स्ट टाइम आई हैव नोटिस, ये तो पहली बार मैंने इसको नोटिस किया, ध्यान दिया, सेड ग्रैनी. दैट मस्ट हैव बीन द स्वीपर्स बॉयज, और मे बी देवर यूर ग्रैंडफादर्स. ये हाथ जो है ये हो सकता है स्वीपर्स बॉय के होंगे जो वहां पर सफाई कर रहे थे, या हो सकता है ये हाथ तुम्हारे ग्रैंडफादर के हो. दे डोंट लुक लाइक ग्रैंडफादर्स हैंड, आई सेड. हिज हैंड्स आर ऑल बोनी. यस, बट दिस वॉज 60 ईयर्स एगो. डिडंट ही क्लाइंब अप द वॉल आफ्टर द फोटो? नो, नोबडी क्लाइंब्ड अप, एटलीस्ट आई डोंट रिमेंबर. अब जब ग्रैनी कहती है कि हो सकता है ये जो हैंड्स है वो स्वीपर बॉय के हो या तुम्हारे ग्रैंडफादर के हो, तब वो लड़का कहता है, दे डोंट लाइक ग्रैंडफादर्स हैंड, ये तो ग्रैंडफादर के हाथ नहीं लगते हैं. क्यों नहीं लगते? क्योंकि उनके हाथ तो पूरी तरह बोनी है, यानी कि हड्डियों वाला है. यस, बट दिस वॉज 60 ईयर्स एगो. तो ग्रैनी कहती है ये जो फोटोग्राफ है ये 60 ईयर्स पुरानी फोटो है. डिडंट ही क्लाइंब अप द वॉल आफ्टर द फोटो? क्या वो फोटो के बाद वो वॉल पर नहीं क्लाइंब किए होंगे? No, nobody climbed up. नहीं, वहाँ कोई नहीं चढ़ा. At least I don't remember. जहाँ तक है मुझे याद नहीं, ये ग्रैनी कहती है. And you remember well, Granny. Come on, Granny, I said. Tell me, but grandmother shook her head and carried on the knitting. अब वो जानने की कोशिश कर रहा है बच्चा, बोल रहा कि ग्रैनी रिमेम्बर वेल, आपको अच्छी तरह याद है, और कम ऑन ग्रैनी, और मुझे बताइए कि वो कौन है, किसका हाथ है. बट ग्रैंड मदर शुक हर हेड एंड कैरीड ऑन द नीटिंग. ग्रैंड मदर ने अपना मुंडी हिलाया और वो बुनाई करने में लगी रही. आई हेल्ड द फोटोग्राफ इन माई हैंड, लुकिंग फ्रॉम इट टू माई ग्रैंड मदर एंड बैक अगेन, ट्राइंग टू फाइंड आउट इन द कॉमन बिटवीन द ओल्ड लेडी एंड द लिटिल पिग टेल गर्ल. मैंने उस फोटो को अपने हाथ पर लिया और फिर से उसको देखने की कोशिश की. एक तरफ मैं अपने ग्रैंड मदर ओल्ड लेडी को देखता और साथ ही साथ उस फोटो में उस पिग टेल गर्ल को देखता और कोशिश करता कि मैं उन दोनों के बीच में कॉमन क्या है. अ लेमन कलर्ड बटरफ्लाई सेटल ऑन द एंड ऑफ ग्रैंड मदर्स निटिंग नीडल एंड स्टेड देयर व्हाइल द नीडल्स क्लिक्ड अवे. I made a grab at the butterfly and
इट फ्लू ऑफ इन द डीपिंग फ्लाइट एंड सेटल ऑन अ सनफ्लावर. स्टे यानी होता है ठहरना, ग्रैब यानी कि पकड़ या पकड़ने की कोशिश करना. तो एक लेमन कलर्ड बटरफ्लाई, एक जो लेमन का कलर जिस तरीके होता है उस कलर की बटरफ्लाई, वो ग्रैनी के निडल पर आकर के बैठ गई, रुक गई, और तब तक रुकी रही जब तक कि ग्रैनी ने अपना निटिंग स्टार्ट नहीं किया. मैंने उस बटरफ्लाई पर पकड़ बनाने की कोशिश की, लेकिन वो बटरफ्लाई डीप करी और वहां से उड़ करके जाके सनफ्लावर में सेटल हो गई, यानी कि बैठ गई. आई वॉन्डर हूज हैंड्स दे वर, विस्पर्ड ग्रैंडमदर टू हरसेल्फ विथ हर हेड बोव्ड एंड हर नीडल्स क्लिकिंग अवे इन द सॉफ्ट वार्म साइलेंस ऑफ दैट समर आफ्टरनून. विस्पर यानी होता है फुसफुसाना. आई वॉन्डर हूज हैंड्स दे वर, विस्पर ग्रैंडमदर टू हरसेल्फ. ग्रैंडमदर जो अपने आप में फुसफुसा रही है कि वो हाथ किसके थे. मुझे तो बहुत आश्चर्य हो रहा है कि वो हाथ किसके थे. और उन्हें अपनी मुंडी झुकाया और वो स्टार्ट कर दी नीटिंग के लिए, और उस गर्मी भर वो दोपहर भर वो नीटिंग करती रही. तो बच्चों, आप लोगों ने देखा और आप लोगों ने समझ भी गए होंगे कि वो फ़ोटो किसकी थी. ऑफकोर्स वो जो फ़ोटो थी लिटिल गर्ल की, वो ग्रैनी ही थी, लेकिन ग्रैनी उस बॉय को बताना नहीं चाहती थी. तो ये हमारा सेकंड पार्ट ख़त्म होता है. चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में कौन था. आंसर, देयर वॉज अ लिटिल पिग टेल गर्ल इन द फोटोग्राफ. सेकेंड क्वेश्चन, How can you say that the photograph was colorful? The photograph was colorful as it was a faded yellow. अब आते हैं वोकैबुलरी सेक्शन में. आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे क्वेश्चंस के, आपको एक जो करेक्ट आंसर है उसको चूज करना है. सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट, grandmother was. ऑप्शंस है फर्स्ट, रीडिंग अ बुक. सेकेंड, नीटिंग अ स्कार्फ. थर्ड, नीटिंग अ कैप. फीडिंग द बर्ड्स. grandmother क्या कर रही थी. यस, करेक्ट आंसर इज सेकेंड, grandmother was knitting a scarf. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गर्ल appeared टू बी फुल ऑफ डैश एंड डैश. जो लड़की आपको फोटोग्राफ में दिख रही थी वो कैसी थी. इसके लिए ऑप्शंस है फर्स्ट, जॉय एंड जेस्ट. सेकेंड, फन एंड जॉय. थर्ड है फ्रीडम एंड मूवमेंट. एंड फोर्थ वन इज फ्रीडम एंड फन. यस, करेक्ट आंसर इज थर्ड, फ्रीडम एंड मूवमेंट. द गर्ल appeared टू बी फुल ऑफ फ्रीडम एंड मूवमेंट. I was rummaging in a box. आपको यहाँ पर underlined bold word दिख रहा है, इसका आपको meaning बताना है कि उसका मतलब क्या है. तो आपके लिए है rummaging का meaning क्या है. First है cleaning properly. Second, arranging things. Third one is searching unsystematically. And fourth, painting carefully. Rummaging का यहाँ पर meaning क्या होगा. यस, करेक्ट आंसर है थर्ड, सर्चिंग अनसिस्टमेटिकली यानी उलट पुलट करना. अब आते हैं ग्रामर सेक्शन में. जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में कॉजिटिव वर्ब के बारे में बताया था, कॉजिटिव वर्ब्स आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट डजंट परफॉर्म द एक्शन हिमसेल्फ बट गेट इट डन बाय अ थर्ड पर्सन. तो आप लोगों ने क्वेश्चन में देखा कि मुझे घर में क्या क्या काम कराया जाता है वो आप लोगों ने बताया, लेकिन सिर्फ मुझे ही काम नहीं करवाया जाता है. पॉजिटिव वर्ब्स मीन्स होता है किसी से भी काम करवाना या खुद को करवाना. ओके, तो हम इसका और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपका क्लियर हो जाएगा. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, शी मेड हर चिल्ड्रन टू डू देयर होमवर्क बिफोर गोइंग टू बेड. उसने अपने बच्चों से होमवर्क करवाया बिस्तर में जाने से पहले या सोने से पहले उसने अपने बच्चों से होमवर्क करवाया. तो यहाँ पर सेंटेंस हमेशा ऐसा रहेगा, करवाया, ले जाया गया. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. माई टीचर मेड मी रीड 7 novels इन अ मंथ. मेरे टीचर ने मुझसे एक महीने में 7 novels यानी कि 7 novel मुझे पढ़वाया. नेक्स्ट, देयर पेरेंट्स मेड द बॉयज क्लीन द हाउस आफ्टर द पार्टी. उनके पेरेंट्स जो हैं वो बॉयज से पार्टी के बाद रूम को क्लीन करवाया. लास्ट है, ही मेड मी पॉलिश द शूज. उसने मुझसे शूज पर पॉलिश करवाया. तो यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट के द्वारा काम करवाया जा रहा है. जैसे मैं हंसी या मैं हंसा, उसको इंग्लिश में कहेंगे आई लाफ्ड. लेकिन मुझे जब हंसाया गया तो क्या कहूँगी, आई मेड लाफ्ड. अब वो हो सकता है किसी ने भी हंसाया हो, लेकिन मुझे किसी के द्वारा काम करवाया गया. तो यही कहलाता है पॉजिटिव वर्ब, जिसमें हम मेड का यूज करना सीखे. तो बच्चों, हमारा सेकेंड पार्ट भी यहीं पर खत्म होता है, लेकिन आपके लिए एक होमवर्क है. Look at your grandparents or any old person known to you. Now describe in a paragraph how she or he looks and what she or he does.
आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखिए या फिर कोई ओल्ड पर्सन जिसे आप जानते हो उनको देखिए और उनके बारे में डिस्क्राइब करिए एक पैराग्राफ में कि वो दिखते कैसे हैं, हाउ शी और ही लुक्स एंड व्हाट शी और ही डज, वो दिखते कैसे हैं और वो क्या करते हैं। ओके बच्चों, तो हमारा सेकेंड पार्ट भी यहीं पर ख़त्म होता है और हमारा लेसन भी यहीं पर फिनिश होता है। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।